और बात करते हैं चुनाव पर रोक और छात्रों में रोष की। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कैंपस में आज भी हलचल तेज रही। आज छात्रों ने पानी की टंकी को छोड़ कैंपस की बिल्डिंग्स को टारगेट किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में बनी विभागों की बिल्डिंग्स पर छात्र चढ़ गए। बिल्डिंग्स में चढ़ने के साथ छात्र अपने साथ पेट्रोल की बोतल भी ले गए। आज कैंपस में पुलिस को करनी पड़ी छात्रों के लिए कड़ी मशक्कत। एक के बाद एक बिल्डिंग्स पर चढ़ने से पुलिस की भी खूब रेलम पेल रही, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस ने बेहतरीन काम किया और बेहतरीन काम करते हुए समझाइश की और समझाइश के साथ छात्रों को नीचे उतारा। लेकिन ये मामला गरमाता हुआ क्योंकि दंडवत जो मामला शुरू हुआ वो अब राजस्थान विश्वविद्यालय की इमारतों के छतों तक पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, कोई समाधान आपको दिखाई दे रहा है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हंगामे, प्रदर्शन, धरने, दंडवत, क्या वाकई में सरकार इसके सामने छात्र संघ चुनाव कराने को राजी हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज का दिन पूरी तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बिल्डिंगों के नाम रहा, क्योंकि आपने वो तस्वीर देखी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज छात्रों ने तमाम जो कैंपस की जितनी भी बिल्डिंग है विभागों में उनको निशाना बनाया, उनकी बिल्डिंगों पर जा चढ़े और हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर उन्हें चेतावनी दी कि अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम आत्मदाह यहाँ पर कर लेंगे। आपने देखा कि सुबह लगातार जिस प्रकार से छात्र कुलपति सचिवालय में पेट्रोल लेके घुसे और उसके बाद अपने ऊपर पेट्रोल भी उड़ाला, इसके साथ साथ फिर कुलपति की प्रतीकात्मक शव यात्रा उन्होंने निकाली, बड़ी मशक्कत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को करनी पड़ी। जैसे कि कल भी दो छात्र पानी की टंकी पर चढ़े और 3 घंटे की मशक्कत के बाद वो नीचे उतरे, तो कहीं ना कहीं ये कारण तब बन रहे हैं जब कोई समाधान का रास्ता यहाँ पर नहीं निकल पाया है। हमने कई छात्रों से बात की तब भी उनका यही कहना कि हमें मजबूरन होकर इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और कहीं ना कहीं छात्रों का ये भी कहना है कि पानी की टंकी के पीछे चढ़ने का मकसद यही है कि वो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने तो विजेंद्र अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं होंगे, लेकिन छात्र तमाम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों के जरिए सरकार अपना जो निर्णय ले चुकी है वो कहीं ना कहीं बदले। और ये देखने को मिला है कि कल जिस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 छात्र पानी की टंकी पर चढ़े और आज उसका असर देखने को मिला कि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की सूचना हमारे पास पहुंची कि छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। और आज का दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों के नाम रहा, लगातार छात्रों के प्रदर्शन हुए, शव यात्रा निकाली गई और विभिन्न बिल्डिंगों पर छात्र ऊपर चढ़ गए। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं लगातार वो अलग अलग विभागों की बिल्डिंगों पर जाकर छात्रों से समझाइश करते हुए नजर आए और बड़ी मशक्कत यहाँ पर छात्रों की करनी पड़ी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुँचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।